नमस्कार दोस्तों, आज 22 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। ये आईएएस प्रबंधन है, यहाँ पे यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए गाइडलाइन दी जाती है और हम आपको डेली टास्क देते हैं जिससे आप ये जो है अभी जो हम न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं कि क्या और क्यों पढ़ें, ये इसलिए है ताकि आप मेहनत कर सको, आप खुद पढ़ो, है ना। नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, देन मुझसे पूछ लो, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप रोज़ एक टास्क के रूप में इसे लें और रोज़ पूरा करें, है ना। तो जो पहली न्यूज हमें पढ़नी है वो है SC टू कंस्टिट्यूट ए न्यू बेंच टू हियर कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी जो एक नदी है वो दक्षिण भारत या दक्षिण में है और ये कावेरी जो विवाद क्या है कि जल के बंटवारे को लेकर होता रहता है, तो इसके लिए एक नया बेंच बना दिया गया है जो इसके विवाद को सुनेगा, ठीक है। तो इसी पे ये मामला है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कावेरी नदी विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, साथ ही आपको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता कहाँ कहाँ पे है, राज्य और राज्य के बीच में विवाद, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद, राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद, है ना। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता भी देखना है और किसके तहत ये बेंच जो है बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज हमें पढ़नी है पेज नंबर 6 पर पढ़नी है और पेज नंबर 6 पे द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलरिटी रेटोरिक, है ना। दिक्कत क्या है कि ब्रिक्स के विस्तार की बात चल रही है, चीन और रूस इसमें राजी हैं पर भारत और दक्षिण अफ्रीका जो है वो अब इसमें राजी नहीं है। ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, तो ये पांच देश हैं और इसके विस्तार की बात की जा रही है। अब यहाँ पे है कि भारत कभी भी नहीं चाहता कि वो विस्तार दे, चीन इसलिए चाहता है ताकि उसके जो पक्षकार हैं वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ आ जाए, तो एक गुट बन जाएगा, है ना, नाटो के जैसा गुट बन जाएगा या एक तरीके से एक यूरोपीय यूनियन और जो अमेरिका के बीच में एक संगठन के रूप में है उसी का काउंटर करना चाहता है चीन। आपने अभी देखा होगा कि चीन और अमेरिका में एक तरीके से शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध किस प्रकार का, तो व्यापार का चल रहा है और इसी को काउंटर करने के लिए, इसी को बैलेंस करने के लिए चीन एक और एक ध्रुव बनाना चाहता है। अब यहाँ पे यदि ये दो ध्रुव बन गए तो अमेरिका का ध्रुव एक अलग, चीन का ध्रुव एक अलग, और भारत नहीं चाहता है कि किसी भी ध्रुव में हो ये विश्व जो हो बहुध्रुवीय हो, मल्टीपोलर हो, और इसी पे बात की गई है, तो आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे डिकोडिंग द प्रेसिडेंट स्पीच, ये आप जरूर पढ़ेंगे। विवेक काटजू हैं, रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, और तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे कि जो स्पीच दी गई इंडिपेंडेंस डे के इवनिंग में, उसके एक दिन के पहले इवनिंग में, उसका क्या मतलब है और किस प्रकार से ये चीज़ें जो सरकार का एक्चुअल में आईना होता है, सरकार की नीतियों का आईना होता है प्रेसिडेंट की स्पीच, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लेंगे, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद जो अगली न्यूज हमें पढ़नी है पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे क्या है, ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, है ना। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे एक दबाव या बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना, और बहुत सारे प्रोत्साहन स्कीम्स भी भारत चला रहा है, इनको मिला के एक तरीके से क्या है कि चाह रहे हैं कि भारत में ही जो स्मार्टफोन है वो भारत में ही बनाया जाए, घरेलू स्तर पर बनाया जाए, ताकि भारत के लोगों को या भारत की अर्थव्यवस्था को इससे फायदा पहुंचे, है ना। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 13 पे है, ना। पेज नंबर 13 पे एक न्यूज़ है, इक्वाडोरियंस रिजेक्ट ओल्ड ड्रिलिंग इन अमेजन इन हिस्टोरिक डिसीजन। इक्वाडोर के लोगों ने एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है अमेजन के जंगलों में ऑयल ड्रिलिंग के लिए, तेल निकालने के लिए, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आज दी कॉप 20
8 होने जा रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित, और ऐसी न्यूज़ यदि आती है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। और साथ देखिए क्या है कि हम जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसका मुख्य कारण जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ है ना। और यहाँ भी ये क्या करेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ निकालने वाले थे, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेडोर के जो लोग हैं उन्होंने बंद कर दिया और मतलब मना कर दिया। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसे आप एक केस स्टडी के रूप में या एथिक्स के रूप में कहीं कहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चंस में जहाँ भी देना हो कि किस प्रकार से कोई देश मना करता है या किस प्रकार से लोग चाहें तो यदि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब रोल मॉडल बन सकता है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगली न्यूज़, इंडिया आसियान एग्री टू रिव्यू गुड्स ट्रेड पैक्ट 2025 टू फिक्स एसिमेट्री, है ना। आसियान में 10 देश हैं और भारत और आसियान के बीच में एक समझौता हुआ है गुड्स ट्रेड पैक्ट को वो करेंगे, और इसी पे एक छोटी सी न्यूज़ है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है लास्ट पेज पे, द स्टोरी ऑफ हाउ द डेडलीस्ट वायरस टू ह्यूमन वाज रिवाइव्ड। जो वायरस होता है वो अर्धजीवित एक तरीके से, ना उसको पशु कह सकते हैं ना जीव कह सकते हैं, या अर्धजीवित एक मतलब वायरस के तरह पे, या अर्धजीवित एक थिंग्स कह लो, वस्तु कह लो, अर्धजीवित वस्तु है जो कि बाहर यदि हवा में रहे तो वो मृत रहता है, लेकिन यदि किसी शरीर में पहुंच जाए तो उसको जीवन मिल जाता है। जैसे आप एक चीज़ समझो कि एक ऐसा डंडा है जो आप रूम पे रख दो तो वो ऐसे ही रहेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन यदि उसे मिट्टी और पानी मिल जाए तो वो तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देगा। वायरस जस्ट ऐसा ही है ना। तो कैसे ये होता है इसी पे बात की गई है। वायरस ऐसा है कि मतलब जब तक वो हवा में पड़ा रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो आपके शरीर के अंदर होता है वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, और यही एक मृत्यु का कारण या बीमारियों का कारण यही बनता है ना। आप समझिए इस तरीके से कि पुनर्नवा आपने देखा होगा, पुनर्नवा जो है वो यदि उसे घर में ले आया जाए तो वो मतलब सूख जाता है, लेकिन यदि उसे फिर से ज़मीन में छोड़ दिया जाए तो वो आसानी से पनप जाता है और फिर से अपने जो फैलाव है उसको बढ़ा देता है ना। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे देख लेंगे एक बार कि किस प्रकार से जो वायरस है वो ह्यूमन में आते ही जीवित हो उठता है या रिवाइव हो जाता है, तो इसे आप देख लीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।